जहाँ यहाँ से भीड़ करने से कोई फायदा नहीं, अपने भी पार्क यूज करने। फिर हम ऐसा कहते हैं रोटी का प्रबंध नहीं है, मतलब अड्डे पे रहने हैं। रोड पे जो गाड़ी खड़ी है उसका ड्राइवर जल्दी से नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। गेहूं के बढ़ते दामों को देखते हुए भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है, जो कि ड्राइवरों के लिए मुसीबत बन गया है। और खासकर ये खबर उन ड्राइवरों के लिए है जो इस रूट पर गेहूं से भरे ट्रक लेकर आ रहे हैं। वो ड्राइवर अब सावधान हो जाएं। आइए बताते हैं आपको इस ब्रेकिंग न्यूज में कि किस पोर्ट पर ड्राइवर हो रहे परेशान। यहाँ पर बिल्टी वापिस दी जा रही है, गाड़ी खाली होने का मना कर दिया गया है। एक बार आप मेहरबानी करके गाड़ी अपने पार्क में ले जाओ, जैसे वैसी व्यवस्था बनेगी खाली करवा देंगे। करिए, 5-7 दिन होने आया, मैं गरीब आदमी, 80-85 हज़ार का हफ्ता है, कहाँ से लाऊं पैसे, गाड़ी खड़ी है। आटे की कीमत अपने उच्चतम स्तर पर चल रही है, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। लेकिन यही फैसला ड्राइवरों के लिए आफत बन गया है। जी हां, जो ड्राइवर कांडला पोर्ट पर गेहूं लोडेड ट्रक लेकर आए हैं, वो यहां भीड़ जमा किए खड़े हैं, क्योंकि 7 से 8 दिन हो गए हैं पर गाड़ियां खाली नहीं हो रही। 2 से 3 हज़ार गाड़ियां गेहूं लोड कर खड़ी हैं, लेकिन यहां इन गाड़ियों की बिल्टी तक नहीं ली जा रही। 7 तारीख से खड़ी ये गाड़ियां कब खाली होंगी, इसका कोई अंदाजा नहीं है। यहाँ पर ड्राइवरों से बार बार कहा जा रहा है कि आप सब पार्किंग में जाएं और भीड़ जमा ना करें, और यहाँ गाड़ियाँ भी फास्टैग के हिसाब से खाली होंगी। जिसका टोल पहले कटा होगा वो गाड़ी पहले खाली होगी। ये खबर उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो इस रूट पर गेहूं लोड करके आ रहे हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट का कहना है कि रास्ते से आ रही गाड़ियों की अनलोडिंग नहीं की जाएगी। ये खबर इस रूट की तरफ आ रहे गेहूं से लोडेड ट्रक ड्राइवरों के लिए जरूरी है। वो इस खबर को जरूर सुने और सावधान हो जाएं। सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ आपको खड़ी दिखाई रही है। बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं प्रोड्यूसर है, लेकिन स्थानीय कीमतों पर काबू पाने के लिए ये निर्णय लिया गया है, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। लेकिन इस फैसले के कारण जो ड्राइवर पहले ही गेहूं लोड कर चुके हैं या रास्ते में किसी पार्टी को देने जा रहे हैं, उन पर मुसीबत बन गया है। क्योंकि इतने दिनों से जो ट्रक गेहूं लोडेड कांडला पोर्ट पर खड़े हैं वो भी खाली नहीं हो रहे, तो रास्ते में इस ओर आ रहे ट्रकों को खाली करने की तो साफ रूप से यहां मनाही कर दी गई है। अब ड्राइवर यहां परेशान है, जो अपनी परेशान का जल्द से जल्द कोई हल खोजने में लगे। फिलहाल आज के लिए इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओ गड्डी जांदी है छलांगा मार दी। ओ बंटी, ये डीजल, ये इंजन ऑयल कहां से आए भाई? ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से। पर मैं तो हर रोज 2 घंटे ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला भाई। मैं समझ गया, तू ट्रांसपोर्ट टीवी देखता है यूट्यूब से या फेसबुक पर? मैं ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से मिलता है फ्री डीजल और मिलता है इंजन ऑयल। अरे वाह, मैं भी डाउनलोड करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप और इसी में देखूंगा ट्रांसपोर्ट टीवी, यानी खबरें भी और इनाम भी। हाँ, ट्रांसपोर्ट टीवी देखना मतलब जानकारी भी, लाभकारी भी।